क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर जापान पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। जापान में पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में जय श्री राम के नारे गूंजे। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जापान में होने वाली क्वाड की बैठक में तीनों सदस्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक से पहले चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि सम्मेलन का असफल होना तय है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को नियंत्रित करने के लिए कवायद शुरू की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इंडो पैसिफिक रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, अधिक सतर्कता और चिंता पैदा कर रही है। वांग ने कहा कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का असफल होना तय है। चीनी विदेश मंत्री वांग का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिति का आयोजन होना है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम शामिल होंगे। वांग ने कहा कि अमेरिका ने स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर इंडो पैसिफिक रणनीति बनाई है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति सही मायने में विभाजन करने और टकराव को बढ़ाने वाली है, एशिया के इस क्षेत्र को अशांत करने की रणनीति है। वांग ने कहा कि चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी गुप्त है, लेकिन यह अंत में विफल जरूर होगी। बता दें कि क्वाड को लेकर चीन की धारणा है कि अमेरिका चीन के आसपास के वातावरण को बदलने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि क्वाड सम्मेलन में नेता हिंद और प्रशांत क्षेत्र के विकास और आपसी हितों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें चीन दक्षिण सागर को लेकर के भी चर्चा होगी, जिसमें चीन अपना कब्जा बताता है। क्वाड सम्मेलन में होने वाली चर्चा के मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान रवाना होने से पहले ही एक ट्वीट में बता दिया था। मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि क्वाड सम्मेलन में मैं अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा, जहां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बता दें कि पिछले साल सितंबर में जो बाइडेन ने वाशिंगटन में क्वाड मीटिंग बुलाई थी। वहीं इस जापान में होने वाली बैठक में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा होनी है। चुनौतियों के दायरे में चीन की आक्रामक रुख के बारे में भी बातचीत हो सकती है। दरअसल चीन के साथ भारत का पिछले 2 साल से पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध कायम है। 15 दौरों की सैन्य वार्ता के बावजूद कई स्थानों पर चीन पीछे नहीं हट रहा है। साथ ही वह कब्जे वाले क्षेत्र में लगातार पुलों का निर्माण कर रहा है। भारत चीन की आक्रामकता के मुद्दे को बैठक में उठाएगा। इसके साथ ही श्रीलंका की स्थिति को लेकर के भी क्वाड में चर्चा होना तय माना जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सका। 3.09 मैट्रिक टन धान की कुल खरीद करते हुए 42,90,474 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सत्र शुरू होते ही सपा विधायकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पूरे अभिभाषण के दौरान सपा विधायक राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे। महंगाई और बेरोजगारी के पोस्टर लहराए गए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। इस दौरान सपा विधायक लगातार हंगामा करते रहे। इतना ही नहीं, सपा विधायक वेल तक भी पहुंच गए। सपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की है। लागू कराया, इसके परिणाम स्वरूप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सका। वर्ष 2017-18 से वर्ष 21-22 की अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की कुल 219.12 लाख। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को जवाब देना होगा और जवाब देना चाहिए। सपा विधायकों के हंगामे की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने वेल में पहुंचकर भी हंगामा किया। विधायक हाथों में अलग अलग प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने एक दिन पहले ही सत्र में जोरदार उपस्थिति का एहसास कराने के लिए बैठक की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार 2 का ये पहला बजट सत्र है। 6 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सरकार 26 मई को अपना बड़ा बजट पेश करेगी। ये बजट करीब 6.5 लाख करोड़ का होगा। समाजवादी पार्टी के रामपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के सीतापुर जेल से 27 महीने के बाद रिहा होने के बाद यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है
और इस बीच आजम खान विधानसभा के विधायक के रूप में शपथ ले ली है। इसके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी शपथ ली है। शपथ लेने से पहले आजम खान ने मीडिया से भी बात की और कई सवालों के जवाब भी दिए। वहीं लखनऊ निकलने से पहले आजम खान ने उनके घर के पास स्थित कब्रिस्तान में दफन अपने माता पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ी। बता दें कि जेल में रहने के कारण आजम खान विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे। उनके विधानसभा सत्र में शामिल होने को लेकर भी लगातार संशय बना हुआ था, लेकिन बीती रात वो अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ लखनऊ के लिए निकले और अब उन्होंने शपथ ले ली है। इससे पहले उन्होंने मीडिया के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। जेल में इंस्पेक्टर ने कहा था कि अंडरग्राउंड हो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव के उनसे ना मिलने आने को लेकर उन्होंने कहा कि मेहमान तो मेहमान होता है। इसके साथ ही आजम खान ने कहा कि जो लोग जेल में मिलने आए उनका शुक्रिया और जो लोग नहीं मिलने आए उनका भी शुक्रिया। आपको बताते चलें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई है। वहीं चर्चा है कि आजम खान आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में वह अपनी बातों को भी उनके सामने रखेंगे। इस वीडियो को गौर से देखिए, ये वीडियो बेहद खास है। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो वायरल है। करीब 55 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन अंदाजा जरूर लग जाएगा कि एक शख्स ने दूसरे शख्स के झूठे को खाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बेंगलुरु के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान एक दलित के मुंह से खाने को निकालकर खाते दिख रहे हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस विधायक जमीर अहमद भी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने एक दलित संत के मुंह में खाने का निवाला डाला। इसके बाद उन्होंने संत के मुंह से खाने को निकालकर खुद खा लिया। संत ने उन्हें ऐसा करने से रोका और थाली से खाने को कहा, लेकिन कांग्रेस विधायक ने दलित संत के मुंह में पड़े निवाले को उनके हाथों से लिया और खा लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। मौके पर मौजूद लोगों ने कांग्रेस विधायक की खूब तारीफ भी की। दरअसल चामराज पेट में अंबेडकर जयंती और ईद मिलन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। यह कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया जिसमें कांग्रेस विधायक जमीर अहमद ने दलित संत के मुंह से खाना निकालकर खाया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज समाज में दरार पैदा हो रही है, कट्टरपंथी तत्वों ने समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसा किया और लोगों को एक साथ रहने की सीख दी। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल हो गया जिस पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कांग्रेस विधायक का मजाक बनाया तो कई यूजर्स ने कांग्रेस विधायक की कोशिश को भाईचारे की मिसाल दी। उन्होंने कांग्रेस विधायक की जमकर तारीफ भी की। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वो खाद्य और नागरिक उपभोक्ता मामलों और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। देश भर में कोरोना से जंग अब भी जारी है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 2022 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले कल के मुकाबले 9% कम हैं। रविवार को कुल 2,226 मामले सामने आए थे। इसके साथ ही देश में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,31,38,393 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 46 लोगों की मौत कोविड से हुई है, लेकिन कल सामने आए मौत के आंकड़े के मुकाबले मरने वालों की संख्या में आज कमी आई है।
जिससे थोड़ी चिंता कम हुई है। इसी के साथ अब देश में कोविड से कुल 5,24,459 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कई दिनों से सक्रिय मामलों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। देश भर में कुल एक्टिव केस की संख्या 15,000 के नीचे आ गई है। फिलहाल देश भर में 14,832 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.03% हो गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.75% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 2,099 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 4,25,99,102 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 0.69% पर आ गई है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.49% हो गई है। अब तक देश में कुल 84,70,00,000 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2,94,812 सैंपल की जांच की गई है। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर भी तेजी से जोर दे रही है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में कुल 192,38,45,615 वैक्सीन की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। वहीं विदेशों की बात करें तो इस वक्त सऊदी अरब में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है।